हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडियो। बच्चों आज हम लोग पीएबीटी का पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 पीएबीटी जेई। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ई अपॉन एम, स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो पूछा है फॉर द वैल्यूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। बच्चों जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो और अल्फा पार्टिकल की बात है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल आप लोग जानते हैं, इट इज़ हीलियम 242+, दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल इसका आपको ई अपॉन एम का रेशियो लेना है बेटा। तो जनरली ये जो क्वेश्चन है, ये टाइप के रिलेशन वाले क्वेश्चन में आप रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास लेके करते हैं तो ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 ही है इसका, और मास जो है इसका, इलेक्ट्रॉन का मास एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि रिलेटिवली 1/1837 टाइम्स होता है, और जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज है 2 यूनिट्स डिवाइड बाय उसका जो मास है, उसका मास है 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 AMU उसका मास है। तो ये हो गया अपना हाफ 1/2, ये जाएगा ऊपर, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अच्छा ये भी ऊपर ही जाएगा, तो दैट मीन्स इट इज़ 1837 × 2। तो ये अपना रेशियो बेटा जो है वो आ रहा है 1837 × 2, ये 3600 समथिंग अपॉन 1 जैसा आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ज़रा चेक करिए, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें लिखेंगे नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन डी वुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 kW रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 880 Hz, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड डज इट इमिट। तो बच्चों आपको पता है कि पावर जो है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन यूनिट टाइम, मतलब पी इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ पे पर सेकंड की बात है, मतलब टाइम यहाँ पे 1 सेकंड लेना है हमको, और पावर 1 kW मतलब 1000 W है बेटा, और ये 1 सेकंड है, तो इससे हमको मिल जाएगा एनर्जी की वैल्यू। एनर्जी की वैल्यू आपको मिलेगी 1 × 1000 मतलब 1000 जूल। तो बेटा एनर्जी का वैल्यू हमारे पास है 1000 जूल। अब इसके ऊपर से हमको ढूंढना है कि 880 Hz फ्रीक्वेंसी वाले कितने फोटोन इमिट होते हैं। तो बेटा आपको पता है कि E इज़ इक्वल टू h𝛎, यहाँ पे मैं nh𝛎 लिख देता हूँ, सो दैट डायरेक्टली हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स सीधा पता चल जाए। तो यहाँ पर सेकंड जो एनर्जी इमिट हो रही है वो है बेटा 1000 जूल डिवाइड बाई H का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, इट इज़ 6.63 × 10⁻³⁴ इंटू न्यू, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है बेटा इसका, इट इज़ गिवन टू यू 880 Hz। तो ये हमारे पास 880 Hz के आसपास है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो दिस इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ 1 × 10³ डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 8.8 × 6.6 इंटू, बेटा यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो ये 10⁻³² हो जाएगा, और ऊपर 10⁻³ है हमारे पास। चलिए तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है बेटा 88 × 66, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, 8 × 6 = 48, 48 + 48 जो है ये हमारा 48 जो है ये हमारा 96 हो जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा 48, ये हिसाब से ये हमारा 8 × 6 = 48 + 10 = 58 हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है बेटा वो हमारे पास आ रहा है 58 के आसपास, तो यहाँ पे 58.08 जैसा है, तो 1/58 पकड़ लेते हैं इंटू 10⁻², ये ऊपर ले लो, तो ये पावर हो जाएगा 32 + 3 मतलब 35 हो जाएगा। तो ये पावर हो जाएगा 35, तो ये लगभग 1/60 के आसपास है बेटा, 1/60 इसका मतलब होता है 0.1/6, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 0.0140 मतलब 6, तो 0.016 × 10⁻³⁵ हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों सारे ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे ऑप्शंस स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर ऑप्शंस होने की वजह से इसको हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करें
तो ये हमारा हो जाता है 1.6। यहाँ पे दो डेसिमल हमने बढ़ाया है तो दैट मीन्स यहाँ पे दो पावर को कम करना पड़ेगा, तो ये 33 हो जाएगा इस तरह से। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 इंटू 10^33 उसके सबसे नज़दीक का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी। तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी वुड बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश। बेटा हमको पता है कि हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट बोर रेडियस है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। हालांकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो एंगस्ट्रॉम को खाली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा। बच्चों आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-8 सेंटीमीटर। बस तो इसको खाली कन्वर्ट कर दो 0.529 × 10^-8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा इसका जो आंसर है यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वुड बी द आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्सॉर्ब फोटोन बट नॉट टू इमिट अ फोटोन। तो बेटा आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, और जब वो एनर्जी को इमिट करते हैं या फोटोन को इमिट करते हैं फॉर दैट मैटर, तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर में मूवमेंट करेंगे। ठीक है, जब एब्सॉर्ब करेंगे तो लोअर से हायर, और जब इमिट करेंगे तो हायर से लोअर। तो यहाँ पे बेटा ऐसा बात है कि वो एब्सॉर्ब तो अलाउ करता है एब्सॉर्ब करना फोटोन को, पर वो इमिट नहीं कर सकता। इमिट नहीं कर सकता मतलब कि हायर लेवल से लोअर लेवल में नहीं जा सकता। तो ये एक्चुअली एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है बेटा, अगर हाइड्रोजन लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हो तो दैट मीन्स उसका ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है। तो ग्राउंड स्टेट में जब होगा तो वो फोटोन को एब्सॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जा सकता है, पर वो फोटोन को इमिट करके और फर्दर लोअर एनर्जी लेवल में नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है इसका ग्राउंड स्टेट की बात चल रही, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल केवल 1s में है, तो दैट वुड बी द आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन विल बी इक्वल टू डी ब्रोगाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डैश। यहाँ पे देखो बेटा दो वेवलेंथ सेम है ऐसी बात चल रही है, वेवलेंथ सेम है मतलब उसका रेसिप्रोकल भी सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक जो है अपने को दिया हुआ है लिथियम 2+, लिथियम 2+ की सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है, और दूसरी जो बात है तो वो चल रही है अबाउट विल बी इक्वल टू डी ब्रोगाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। ओके ठीक है, इसमें से कोई कौन सी स्पीशीज है ये हमको ढूंढना है। तो बेटा क्योंकि डी ब्रोगाई वेवलेंथ है तो डायरेक्ट लैम्बडा ही ले लेते हैं, और ये अननोन है अपना, मान लो कि वो एलिमेंट है एक्स, वो भी कोई यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी मे बी, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं कि भाई लैम्बडा जो है यहाँ पे डी ब्रोगाई वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि एच अपॉन एम बी, और इसका भी अगर वेवलेंथ दोनों का सेम है तो दोनों का एच अपॉन एम बी का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की ही बात चल रही है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की जो बात चल रही है तो उसका मतलब है उसका मास भी सेम हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी इसका सेम आ रहा है, इन दोनों का स्पीशीज का जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है वो सेम आ रहा है। अब आप वेलोसिटी के बारे में एक बात जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दोनों साइड पे वेलोसिटी सेम हो जाएगी, वेलोसिटी इन लिथियम 2+ इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, इन दोनों का वेलोसिटी सेम है मतलब दोनों का जेड अपॉन एन वाला जो रेशियो है दैट इज गोइंग टू बी सेम। ये तो हमको पता है कि लिथियम 2+ में जो इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है दैट इज इन सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट मतलब एन यहाँ पे 2 है, और लिथियम की बात है तो उसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3। तो ये 3/2 वाली बात चल रही है। चलो, तो इसका मतलब है आपको जो स्पीशीज यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में है तो उसका एटॉमिक नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो रेशियो है दैट हैज़ टू बी 3/2। चलिए, इसका जेड अपॉन एन का रेशियो लीजिए, सबका एटॉमिक नंबर डिवाइड बाय 3, इसका भी एटॉमिक नंबर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ये 4। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि ये 6/4 कट हो गया, 3/2 हो गया, तो उसका मतलब है ये इसका आंसर होना चाहिए। बाकी स्पीशीज में अगर चेक करोगे तो उसका बेरिलियम के लिए जेड का वैल्यू 4 होता है, और एटम 6th एनर्जी लेवल की बात है तो इसके लिए 2/3 आएगा पर 3/2 नहीं आएगा। और ये n इज इक्वल टू 3 फॉर हीलियम प्लस के लिए भी अगर आप जेड अपॉन एन चेक करेंगे
तो यहाँ पे Z का वैल्यू हीलियम के लिए आता है 2 और N का वैल्यू आता है 3, तो ये 2/3 ये भी आ जाता है 2/3, तो ये नहीं चल पाएगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज गोइंग टू वर्क। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी सब ऑर्बिट, मतलब डी सब शेल की बात है, इस 5-fold degenerate, 3-fold degenerate, 7-fold degenerate, नॉन degenerate। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जो डीजनरेसी है डी सब शेल की ऑर्बिटल्स के अंदर, कुल मिला के 5 ऑर्बिटल्स होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डीजनरेसी अगर चेक की जाए तो दैट इज गोइंग टू बी 5-fold फॉर डी सब शेल। तो 5-fold बोल सकते हैं, अगर पी सब शेल की बात होती तो यहाँ पे 3-fold डीजनरेट आता, और अगर एफ सब शेल की बात होती तो आंसर वुड हैव बीन 7-fold डीजनरेट। ठीक है बच्चों, नॉन डीजनरेट तो होगा नहीं, अगर एस सब शेल की बात होती तो वो नॉन डीजनरेट होता। ठीक है चलिए, तो 36th में आंसर अपना ए है। ठीक है ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज इज डैश। अच्छा, Na+ तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन पजेस नहीं करता। बच्चों आपको पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट वाली बात है वो गिनने के लिए आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो यहाँ पे सोडियम प्लस की अगर बात करें तो इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसमें पैरामैग्नेटिज्म नहीं है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं गिनूँ तो जीरो ही आएगा। बाकी स्पीशीज जो हैं, क्रोमियम, आयन और कोबाल्ट की बात करूँ तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है बेटा, और आयन का 26 है, और कोबाल्ट का 27 है। यहाँ पे हम लोग को जो चार्ज की बात की हुई है वो भी देख लो, क्रोमियम के लिए 2+ की बात की है, कोबाल्ट के लिए भी 2+, आयन के लिए 3+ की बात की है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख देते हैं। क्रोमियम का इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा आर्गन 4s1 3d5, पर यहाँ पे क्योंकि 2+ है तो 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 3d5 में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 3d4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 2+ आयन का इस हिसाब से होगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि चार है तो चारों चार अनपेड इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ऑल ऑफ देम आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल ऑफ देम आर अनपेड मतलब आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर चाहें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप ढूंढ सकते हैं, 4 point something बोर मैग्नेटॉन आएगा। बेटा आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू वाला, तो उसके अंदर से आप इसका फॉर्मूला पता करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी दिस ओनली 4 point something आएगा। चलिए Fe3+ की बात करते हैं। आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा आर्गन 4s2 3d6, तो यहाँ पे 4s2 वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d6 में से एक निकल जाएगा, तो यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5 point something बोर मैग्नेटॉन आएगा। कोबाल्ट की अगर बात करें तो कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगा आर्गन 4s2 3d7, तो आर्गन 4s2 3d7 इसके अंदर से भी दो निकाल दे तो दिस इज गोइंग टू बी 4s0 3d7। तो यहाँ पे बेटा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा मत लिख देना कि 7-7 अनपेड है। एक्चुअली अगर इफ़ यू वुड चेक, आपको पता है कि डी सब शेल के अंदर देर आर 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स, अगर मैं इसको 7 इलेक्ट्रॉन को अगर अंदर भरता हूँ तो एक्चुअली ये दिख रहा है कि यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देर? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देर। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, तो अगर इसको मैं ऑर्डर में अरेंज करूँ तो इसका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा, सबसे कम जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास है कोबाल्ट 2+ के अंदर, और कोबाल्ट 2+ में सबसे कम है, इसके बाद 3 अनपेड, उसके बाद हमारे पास क्रोमियम 2+ के हैं और सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आयन 3+ में है, सोडियम के पास एक भी अनपेड नहीं है, उसके बाद जो थोड़े अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 3 वो कोबाल्ट 2+ के लिए है, फिर 4 दिख रहे हैं क्रोमियम 2+ के लिए और 5 दिख रहे हैं आयन 3+ के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा। ऑल राइट, तो दिस वे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या है, ये रहा, आई थिंक बी ऑप्शन में सभी चीज़ें सही है, सोडियम कोबाल्ट 2+ क्रोमियम 2+ और आयन 3+। ठीक है, तो बी ऑप्शन वुड बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ
निकल 2864। तो बेटा ये रदरफोर्ड मॉडल के अंदर जो अपना रेडियस है वो ढूंढने की बात थी। रेडियस आपको पता है कि इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ए रेस टू 1/3, ये अपना फॉर्मूला है। और जो ए नॉट की वैल्यू है वो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर 1.25 फेमटोमीटर थी इंटू, यहाँ पे मास नंबर जो है दैट इज 64, तो 64 का थर्ड रूट जो है दैट इज गोइंग टू बी 4, ये 4 हो जाएगा बेटा। ये है 5/4 इंटू 4, तो 4 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आएगी 5 फेमटोमीटर। तो 5 फेमटोमीटर ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 39, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग 310 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आर सब्जेक्टेड टू मेटल शीट हैविंग वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अपने को यहाँ पे सवाल पूछा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास वर्क फंक्शन भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। आपको पता है कि W इज इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब हमको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करनी है तो इसके लिए आपको इस दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी W जो है बेटा, W यहाँ पे क्या हो जाएगा, W है HC/λ माइनस W नॉट। ठीक है, चलिए दोनों का यूनिट में जरा ध्यान रखना, क्योंकि W नॉट वर्क फंक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो जूल के अंदर। आपको पता है बेटा कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं HC/λ के हिसाब से। H की वैल्यू है बेटा 6.63 × 10⁻³⁴ इंटू, C का वैल्यू होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्बडा जो है यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में है, तो ये 3.1 × 10⁻⁸ मीटर हो जाएगा। आपको पता है कि जो 1 मीटर होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻¹⁰ एंगस्ट्रॉम, तो इसके ऊपर से ये किया जा सकता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, तो 3.1 × 10⁻⁸ मीटर माइनस W नॉट का वैल्यू 12.8 है, 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसके कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है, तो इसको 12.8 मतलब कितना, तो इसको इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ करना पड़ेगा। चलिए तो आप लोग इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, तो इसके ऊपर से चलिए ये 3.1 लगभग 3 है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आया 6.63 × बेटा ये जो अगर आप देखते हो −34 + 8 पावर करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी 10⁻²⁶। ये −8 वाला ऊपर ले लेते हैं, +8 कर देते हैं। ओके, तो ये लगभग अपने पास 1.6 × 12.8 जैसी वैल्यू है इंटू 10⁻²⁹, तो ये लगभग 13 जितना वैल्यू है। चलो ये लगभग 13 के जितना वैल्यू है, लगभग 1.5 के जितना वैल्यू है, तो 13 × 3/2 जैसा, तो ये 39/2 मतलब ये 40/2 के आसपास कंसीडर करो तो ये 20 हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 20। अच्छा, यहाँ पे पावर अगर आप देखते हो बेटा, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 10⁻²⁸, तो दिस इज 6.63 × 10⁻²⁸। और बेटा यहाँ पे पावर अगर हम लोग सेम कर दें, तो ये एक पावर यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, तो 2 × 10⁻²⁹ − 19 + 1 करेंगे तो −18 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा 4.6 × 10⁻²⁹ जूल, दैट इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हालांकि जो सवाल है, द क्वेश्चन इज एक्चुअली अबाउट द वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं, ये हमको काइनेटिक एनर्जी मिल चुका है, तो ये मिला 4.6 × 10⁻¹⁸ जूल। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी है ½mv² बेटा, तो वो है 4.6 × 10⁻¹⁸,
तो ये वैल्यू 4.6 इंटू 10^-18 जूल जो आई है उसके ऊपर से आगे गिना जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ये 4.5 के आसपास है, तो इसको इंटू 2 करूँगा तो 9 हो जाएगा, इंटू 10^-18 जूल डिवाइड बाई मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आपको पता है इट इज़ गोइंग टू बी 9 इंटू 10^-31, तो इसका मास लगभग 9 इंटू 10^-31 आएगा। तो बेटा इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करने पर 9 विल बी कट, तो इसके ऊपर से वी स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी, अरे एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा स्मार्ट बोर्ड के अंदर आई थिंक कुछ इश्यू हो रहा है, तो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू 10^+31 कर देते हैं, तो ये लगभग हो जाएगा 11/2, 13 10^13 के आसपास, 10^13 जूल के आसपास आ रहा है बेटा। तो ये अगर वैल्यू को मैं लिखूँ तो वी जो है इसके ऊपर से गिनना है मुझे, तो एक्चुअली ये ऑड में है पावर, तो ये 10^10^12 लिख देता हूँ, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, अभी ये मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। चलो तो वी इसके ऊपर से क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका रूट, तो √10 इंटू 10^6 मीटर पर सेकंड, तो ये वैल्यू बेटा हो जाए √10 मतलब 3 point something होगा इंटू 10^6, तो 3 point something इंटू 10^6 इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। एक्सक्यूज मी, अगर हम लोग ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शंस के अंदर 3 point something इंटू 10^6 मीटर पर सेकंड इज द वैल्यू, हमारा आंसर ये आ रहा है 3 × 10^6 मीटर पर सेकंड, 3 point something है कुछ, तो ये तो नहीं है, बी वाला भी नहीं है। अच्छा ये जो है अपना 2.18 √2, तो √2 का वैल्यू 1.4 और 2.18 लगभग 2 के आसपास है, और 2.2 × 1.4 अगर ये करोगे तो ये 3 के आसपास आ जाएगा, तो 3 × 10^6 मीटर पर सेकंड दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर, और ये जो वैल्यू है 8.73 ये तो 3 से काफ़ी दूर है, तो हमारा एक ही आंसर है जो 3 से एकदम पास में है, दैट इज़ सी ऑप्शन 2.18 √2 × 10^6 मीटर पर सेकंड। इसको मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन से ही करना पड़ेगा सो दैट इट कैन बी डन क्विकली। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स आपको पता है अगर हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल ले तो न्यूक्लियस का फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक में, तो वहाँ पे उसका एनर्जी जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन को सेकेंड एनर्जी लेवल में लिया जाए तो -3.4 वोल्ट होती है। अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट एनर्जी लेवल में लिया जाए तो -1.5, -0.8, इस तरह से करते करते ये जो वैल्यू है -13.6 से -3.4 से -1.5 मतलब थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिव में इसीलिए बढ़ रही है, तो बढ़ते 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 इन्फिनिटी में जब जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी जो एनर्जी है बेटा वो हो जाएगी 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी जो है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² / n² अगर n इन्फिनिटी हो जाता है तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज़ गोइंग टू बी 0। तो उसका मतलब है जो हाईएस्ट एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के अंदर, तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी 0, तो वो एकदम मैक्सिमम है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर। चलिए 41 लेते हैं, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू अल्फा लाइन, अल्फा लाइन का मतलब होता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम एंड बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज। चलिए बच्चों तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, यहाँ पे लाइमेन सीरीज की अगर मैं बात करूँ उसकी फर्स्ट लाइन की बात चल रही है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज एक्चुअली शोज ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, और बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज में बेटा इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में होती है, तो ये उसकी अल्फा लाइन है बामर की और ये उसकी बीटा लाइन है, ये अल्फा लाइन ये बीटा लाइन, यहाँ पे ये अल्फा लाइन, तो ये लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो अल्फा लाइन लाइमेन सीरीज की और बीटा लाइन इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अल्फा लाइन वाला जो है इट एक्चुअली शोज लाइमेन वाला ट्रांजिशन, ये एक्चुअली सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जा रहा है,
और जो बीटा वाला है बामर वाला, तो दैट एक्चुअली शोज ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल. ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, इसका रेशियो ढूंढना है फोटोन की वेवलेंथ का बेटा. अल्फा लाइमेन वाला, वेवलेंथ ऑफ फोटोन अल्फा लाइमेन डिवाइड बाय बामर की बीटा लाइन, इसका रेशियो ढूंढना है. तो बेटा आपको वेवलेंथ का रेशियो ढूंढना है तो उसके लिए हमारा जो ट्रांजिशन में वेव नंबर ढूंढने वाला फॉर्मूला है 1/λ वाला, उससे कर सकते हैं. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 1/ बामर वाली लाइन अपॉन 1/ लैम्बडा एल लाइमेन वाली लाइन. तो ऊपर वाला जो है उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं आर जेड स्क्वायर. यहाँ पे तो हाइड्रोजन की बात चल रही है तो एटॉमिक नंबर इज गोइंग टू बी 1 इनटू अच्छा बामर वाला जो ट्रांजिशन है ऊपर है तो वो 4 to 2 जा रहा है, मतलब 1/2² 4 4² 16 डिवाइड बाई आर इंटू 1/ लाइमेन में जो ट्रांजिशन है नीचे लाइमेन वाला है दैट इज फ्रॉम 2 to 1 तो 1² 1 - 2² 4 तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा. आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर 16 का एलसीएम होगा तो 4 1 - 4 - 1 3 हो गया डिवाइड बाय 1 - 1 by 1 - 1 by 4 इज 3/4 तो ये 3 3 कैंसिल, ये 4 नीचे जाएगा मतलब 1/4. तो बेटा 1/4 जो है 1/4 उसका रेशियो आ रहा है वेवलेंथ का. तो अल्फा लाइन ऑफ लाइमेन एक्सक्यूज मी और बीटा लाइन ऑफ बामर, इसका जो रेशियो है वो आ रहा है 1:4. दिस वुड बी द आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल टू बी ट्रू, व्हाट कुड बी द मिनिमम अनसर्टेंटी इन डी ब्रोगाई वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट. अनसर्टेंटी इन पोजीशन आपको दी हुई है डेल्टा एक्स 7/22 नैनोमीटर. ठीक है, और यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगाई वेवलेंथ दोनों को इस्तेमाल करना है बेटा. ठीक है, चलिए. और इसमें जो पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि भाई व्हाट वुड बी द मिनिमम अनसर्टेंटी इन डी ब्रोगाई वेवलेंथ. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे डी ब्रोगाई वेवलेंथ की फॉर्मूला क्या है. डी ब्रोगाई वेवलेंथ की फॉर्मूला होती है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. तो बेटा अगर मुझे यहाँ पे डेल्टा लैम्बडा लेना है, मतलब कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ लैम्बडा, तो ये एच तो कांस्टेंट है, पी यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे कंसीडर हो रहा है, तो दिस इज़ p^-1. अगर उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो p^-1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 × p^-2. तो p^-2 मतलब कि p² हो गया और dp मतलब डेल्टा p हो जाएगा, डेल्टा p इस तरह से. तो ये वाला हमारे पास सबसे पहला ये रिलेशन चाहिए हमको. वंस यू नो दिस, इसके बाद डेल्टा पी जो है बेटा वो हम लोग इजीली ढूंढ सकते हैं. डेल्टा पी आप लोग ढूंढेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से. आपको पता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4π. तो बेटा इसके ऊपर से मैं बोल सकता हूँ एच अपॉन डेल्टा पी की जगह पे आई कैन राइट एच अपॉन 4π डेल्टा एक्स. ये एच अपॉन 4π डेल्टा एक्स जो है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है. अच्छा ये डिनोमिनेटर में नहीं है, एक्सक्यूज मी, ये इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में है. तो ये हो जाएगा एच अपॉन 4π डेल्टा एक्स इस तरह से. और अभी पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है केवल. अच्छा ठीक है, आप लोग को एक बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी को ईवी के तौर पे लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ पे ई जो है वो पार्टिकल का चार्ज दिखाता है और वी वोल्टेज दिखाता है. और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² भी है. तो इसके ऊपर से एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं.
एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ई वी. एक काम करो, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो. दोनों साइड m से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे मिल जाता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर. एम स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब ये पी स्क्वायर हो गया. तो पी स्क्वायर की जगह पे बेटा हम लोग लिख सकते हैं टू एम ई वी. पी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे टू एम ई वी लिख सकते हैं. तो बेटा ये अपना फाइनल फॉर्मूला सेट हो गया. एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 6.63 इंटू 10^-34 उसका स्क्वायर है. चलो ऐसा ही मैं सॉल्व कर रहे हैं पूरा का पूरा. एक्सक्यूज मी. अच्छा यहाँ पे मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है. अच्छा मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो इसका मास होगा तो वो हम कंसिडर करेंगे 9×10^-31 किलोग्राम. ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज. वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा बेटा 1.6×10^-19 जूल. वोल्टेज आई थिंक दे रखा है क्वेश्चन में 6 वोल्ट इंटू 4π इंटू डेल्टा एक्स. यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है बेटा 7/22 नैनोमीटर है. तो इसको मैं लिखूंगा 7/22×10^-9 मीटर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/22×10^-9. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नंबर्स काफ़ी सारे हैं तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा क्विकली करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं. एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन से आप क्योंकि चारों में से बेस्ट ऑफ फोर ही डिसाइड करना है तो बिना कैलकुलेटर भी के भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम बचेगा. 6.63 लिख देते हैं इंटू 6.63. न्यूमरेटर वाले नंबर में इंटू 22 और करना है. इंटू 22 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड बाय 6/4 = 24 डिवाइड बाय 6/4 = 24 डिवाइड बाय 7 or 3.14 डिवाइड बाय 7 और डिवाइड बाय 3.14. तो सारे आंकड़े का हमने कर लिया सिंप्लीफिकेशन. तो दैट इज़ गोइंग टू बी 0.0636. तो ये मिल रहा है बेटा आपको 0.0636. और ये जो पावर है राइट, पावर हमको मिल जाएगी 10^-68. नीचे वाली जो पावर है दैट इज़ -31, -19, -50 हो गया और ये है -59. तो दिस इज़ गोइंग टू बी -59. चलो -59 को ऊपर ले लो, +59 हो जाएगा. तो बेटा ये जो पावर है ये 10^-9 है. तो आप बोल सकते हैं 0.0636×10^-9 क्योंकि SI में सॉल्व किया तो ये मीटर में आएगा. अच्छा यहाँ पे ऑप्शन सारे जो है वो एंगस्ट्रॉम में है तो उसको थोड़ा एंगस्ट्रॉम में फ्लिप करना पड़ेगा. आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10^10 एंगस्ट्रॉम होता है. तो इसको इंटू 10^10 करना पड़ेगा. तो 10^10 करोगे तो यहाँ पे 10^1 आ जाएगा. दिस इज़ गोइंग टू बी 0.636 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो डेल्टा लैम्बडा जो है दैट इज़ गोइंग टू बी 0.636 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ फोर जो है बेटा, बेस्ट ऑफ फोर ये हो जाएगा सी ऑप्शन 0.625 एंगस्ट्रॉम. कुछ कुछ जगह पे हमने अप्रोक्सीमेशंस लगाए हैं, 6.63 की जगह पे 6.6 वगैरह. तो दैट्स व्हाई आंसर वुड बी ऑप्शन सी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 43 लेते हैं. एंगुलर एंड स्फेरिकल नोड्स. एंगुलर नोड मतलब नोडल प्लेन. तो बेटा 3s के अंदर नोडल प्लेन, तो s के अंदर नोडल प्लेन इज़ नॉट पॉसिबल. तो 3s के अंदर नोडल प्लेन तो ज़ीरो है. ठीक है, अच्छा ज़ीरो है तो उससे डायरेक्ट ही पता चल रहा है. बट लेट अस चेक एंगुलर नोड्स कितने हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं. एंगुलर नोड्स जो है उसका नंबर है n-l-1. तो यहाँ पे 3s के लिए n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 0 है. तो बेटा ये 2 आ जाएगा. तो 0 and 2 ऑप्शन डी इससे कंफर्म होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 44 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ x3+ आयन ऑफ 3D सीरीज इज स्क्वायर रूट ऑफ 35 बोर मैग्नेटॉन्स.
व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स थ्री प्लस। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 35 बोर मैग्नेटॉन दिया है, इसका मतलब है 5 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन। तो 5 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन का मतलब है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 5 है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। 3D में 5 चाहिए इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड है मतलब 5 ही होंगे, 5 होंगे तो ही 5 अनपेड रहते हैं, राइट। तो दैट मीन्स 3D वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन बेटा, ये है 3D5, और ये कॉन्फ़िगरेशन बेटा X3 प्लस का है। तो आर्गन 3D5 अगर ये कॉन्फ़िगरेशन X3 प्लस का है, तो उसका मतलब है 18 और 5 23 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 23 जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 लूज करने के बाद है, तो कुल मिला के कितने होने चाहिए, कुल मिला के हमारे पास 26 होने चाहिए, 26 होने चाहिए। और वैसे भी अगर आप उल्टा सोचोगे तो ये आयन 3 प्लस होगा, आयन 3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन जो है Fe3 प्लस का, ये होता है आर्गन 4s0 3d5। तो आर्गन 4s0 3d5 वुड बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 लेते हैं। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रूबीडियम इज डैश। बेटा रूबीडियम जो है जेड इज इक्वल टू 37, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर से सोचते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में हलीना की रबसे फरियाद, ये हिसाब से हलीना की रबसे फरियाद, तो ये पीरियड 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो आएगा 5s1 में। 5s1 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इसका मतलब है इसका n l m s का वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 5 हो जाएगा। अच्छा, अगर s सब शेल है, s ऑर्बिटल आई मीन, तो उसमें l का जो वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी 0, m का भी वैल्यू इसमें 0 ही होगा, और s का वैल्यू प्लस और माइनस हाफ हो सकता है। तो 500 और प्लस और माइनस हाफ, ये ऑप्शन ए अपना जो है वो आंसर है इसके ऊपर से, 500 प्लस हाफ, ठीक है, 500 प्लस हाफ, दैट वुड बी द आंसर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। 46, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमेन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है बेटा यहां पे ए है हमारे पास, देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पाश्चन सीरीज ऑफ हीलियम 2 प्लस क्या होगा, ये पूछा हुआ है। चलो, तो लाइमेन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, यू वॉन्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे छोटा वेवलेंथ, तो उसका मतलब है तुमको फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट चाहिए, इसका मतलब है एनर्जी गैप हाईएस्ट चाहिए। एनर्जी गैप हाईएस्ट किस में होता है, ये लिमिटिंग लाइन में होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई वेवलेंथ सबसे कम लिमिटिंग लाइन में होती है, लिमिटिंग लाइन मतलब में इन्फिनिटी से ट्रांजिशन होके बेस लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे लाइमेन की अगर मैं बात करूँ, तो लाइमेन वाला जो ट्रांजिशन है बेटा वो हो रहा है इन्फिनिटी से लाइमेन में हो रहा है, तो ऑफकोर्स फर्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा। देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पाश्चन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस, ये अपना हाइड्रोजन की बात चल रही थी, अब आपको पूछ रहा है पाश्चन में, लाइमेन बामर पाश्चन, इसका मतलब है थर्ड एनर्जी लेवल में आना चाहिए, और एक्चुअली ये बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लोगे तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, एनर्जी गैप मिनिमम, एनर्जी गैप मिनिमम का मतलब है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात चल रही है, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन पाश्चन में बेटा 4 to 3 पे आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन 4 से जंप करके थर्ड एनर्जी लेवल में जाना चाहिए, ये बात चल रही है हीलियम प्लस के बारे में बेटा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पूछा हुआ है कि भाई इसके लिए हीलियम प्लस के लिए वेवलेंथ क्या होगी, राइट, देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसके लिए क्या होगी, ये सवाल है। तो बेटा एक काम करते हैं ना, दोनों के लिए जो वेवलेंथ है उसका रेशियो ले लेते हैं, तो उससे हो जाएगा। तो लाइमेन वाली जो सीरीज़ है उसमें 1/λ, और पाश्चन वाली जो सीरीज़ है इसमें भी हम लोग 1/λ ले लेते हैं। 1/λ वाली जो फॉर्मूला है बेटा वो है R(Z²। अच्छा, लाइमेन वाला जो बात चल रहा है वो हाइड्रोजन के बारे में बात चल रहा है, तो Z² उसके लिए 1 होगा, इंटू 1/N² माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी है, अपॉन ये 1/ पाश्चन वाली जो बात है उसकी अगर बात करें हम लोग, तो पाश्चन वाली सीरीज के अंदर
जो फॉर्मूला है वो भी इसी हिसाब से लिखा जाएगा, आर इंटू जेड स्क्वायर। तो हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर इज 4, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा बेटा। तो ये इस तरह से आर आर इसमें कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल। चलिए, और यहाँ पे हम लोग को लाइमेन वाली जो वेवलेंथ है बेटा वो दे रखी है। अगर आप लाइमेन वाली वेवलेंथ चेक करोगे तो वो हमको ए दे रखी है, तो लाइमेन वाली वेवलेंथ ए कह सकता हूँ मैं। तो मैं इसको लैम्बडा पी को ऊपर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा लैम्बडा पी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 0, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 ओनली। अच्छा, अगर यहाँ पे देखे तो यहाँ पे अगर देखे तो 4 इंटू ये दोनों का डिफरेंस आप ले लीजिए एलसीएम लेके, 16 इंटू 9 144 होता है, और 16 माइनस 9 जो है वो हो जाएगा 7। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अगर इसको मैं 4 से काट दूँ तो 4 3 12 2 4 6 4 जा, तो बेटा ये हो जाएगा लैम्बडा पी इज 36 अपॉन 7 इंटू ए। तो 36 ए अपॉन 7 वुड बी द आंसर। तो यहाँ पे अपना जो वैल्यू बैठेगा तो ये हो जाएगा 36 ए अपॉन 7, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग 0.5 वोल्ट व्हेन द रेडिएशन ऑफ 250 नैनोमीटर इज यूज्ड, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज डैश। चलो, तो यहाँ पे वर्क फंक्शन पूछ रहे हैं, तो बेटा हम लोग ऐसा बोलेंगे W इज इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे हम लोग ईवी के टर्म्स में लिखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले क्वेश्चन में ईवी के टर्म्स में लिखना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे सवाल है एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस ईवी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। ठीक है, हमको वर्क फंक्शन चाहिए, तो 6.63 इंटू 10 रेस टू माइनस 34 इंटू सी डिवाइड बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा यहाँ पे हमारे पास है, इट इज 250 नैनोमीटर। तो बेटा ये नैनोमीटर में है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 मीटर करते हैं। तो 2.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 7 मीटर माइनस ईवी, तो ये ई मतलब में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिग्निफाई कर रहा है, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 कूलम। इंटू वी जो है, वी वोल्टेज सिग्निफाई कर रहा है, वोल्टेज जो है बेटा वो हो जाएगा 0.5, तो 0.5 मतलब में हाफ हो गया, तो इसको मैं काट देता हूँ, 0.8 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 आएगा। चलो, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 6.6 इंटू 3, तो ये हो गया 3 3 9, 6 3 18, 18 ये लगभग 20 के आसपास है, तो दिस इज 5/2, ठीक, इंटू 10 रेस टू माइनस 28 सॉरी माइनस 26 प्लस 7। ऑल राइट, चलिए, तो ये लगभग 20 है, इसको ऊपर ले लूँ तो ये 40, 40 अपॉन 5 हो रहा है, ये 8 आएगा, 8 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 माइनस 0.8 इंटू 10 रेस टू माइनस 19। तो बेटा यहाँ पे हम लोग को इसकी वैल्यू मिल रही है 8 माइनस 0.8 मतलब 7.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 जैसी वैल्यू मिल रही है। तो W नॉट की वैल्यू मुझे मिल रही है 7.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 19। अच्छा, चलिए 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 से मैं डिवाइड कर दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप कट कर दीजिए, 0.82 सा 0.89 सा 9/2 मतलब 4.5, तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा दैट वुड बी द आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे अपना आंसर है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट
ऑफ हीलियम प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डैश. चलो बेटा ठीक है, तो ये तो अपना खाली फॉर्मूला डिसाइड करने के काम में आ गया कि ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ठीक, ये अपना फॉर्मूला है. तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एनर्जी लेवल में गया है हीलियम प्लस के अंदर. एक्सक्यूज मी, तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो हीलियम के लिए इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर है 4 अपॉन एन स्क्वायर. सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर इज 9. तो बस बेटा इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 6 4 है 24, 12 2 14 और ये 54.4 डिवाइड बाय 9. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं. 9 6 54 और इसको अगर कट करेंगे, 4 से नहीं कटेगा, तो 0 4 0 9 4 ज़ा 36. ठीक है, तो इस तरह से -6.04 आ रहा है. अच्छा ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट वुड बी द आंसर. आगे बढ़ते हैं 49 डी ब्रोगाई वेवलेंथ लैम्ब्डा एसोसिएटेड विद फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज इन फ्रीक्वेंसी न्यू इन द इंसिडेंट रेडिएशन एज न्यू नॉट. यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात है. तो बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि W इज इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे हम लोग को पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये W को मैं लिख सकता हूँ एच न्यू, साइड चेंज करो, माइनस एच न्यू नॉट. हाफ एम वी स्क्वायर है, तो अगर आप चाहो तो इसको एम वी की जगह पे हम लोग लैम्बडा के तौर पे डी ब्रोगाई वेवलेंथ लिख सकते हैं. आप लोग जानते हैं कि डी ब्रोगाई वेवलेंथ लैम्बडा जो है दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. तो मैं एम वी जो है वो बोलूँगा एच अपॉन लैम्बडा. एच अपॉन लैम्बडा मैं एम वी की जगह पे लिख सकता हूँ. चलिए तो ये जरा देख लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर जो है इसको इन टू एम डिवाइड बाई एम अगर मैं करूँ तो ये ऊपर एम वी का स्क्वायर हो जाएगा. एम वी द होल स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m. ठीक है बेटा, तो इस तरह से यहाँ पे हमको लैम्बडा और इसके बीच में न्यू माइनस न्यू नॉट के बीच में रिलेशन मिल सकता है. तो 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर ये मिल रहा है. तो बेटा ये सब तो कांस्टेंट है, h कट जाएगा ऐसे, तो ये m भी कांस्टेंट है, तो ये खाली वेरिएबल में यही चीज़ है. तो मैं बोल सकता हूँ कि लैम्बडा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट. ठीक है बेटा, तो लैम्बडा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट, या फिर बोल सकते हैं कि लैम्बडा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस. तो यहाँ पे अच्छा जो रिलेशन है लैम्बडा की टर्म्स में है, तो अगर लैम्बडा की टर्म्स में है तो उसको स्क्वायर रूट ले लीजिए. तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आएगा. तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट, इसका स्क्वायर रूट, तो ये ठीक है. 1/2 पावर का मतलब स्क्वायर रूट ही है, तो दिस वे इट कुड बी डन. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है. डी ब्रोगाई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट इज डैश. ठीक है बेटा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये बात है. और आप लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एम वी आर एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π. फोर्थ बोर ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँ तो एन इज इक्वल टू 4 लिखना पड़ेगा, तो एम वी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4h अपॉन 2π. और ये r जो है ये r4 भी दिखा रहा है, r4 में नीचे ले लेता हूँ. r4 क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ बोर ऑर्बिट. फोर्थ बोर ऑर्बिट का मतलब है इट इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. एन स्क्वायर है बेटा 4 स्क्वायर 16
अपॉन जेड। जेड यहाँ पे हाइड्रोजन की बात चल रही है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका मतलब है वन है ये। अच्छा, इसको मैं ए नॉट के तौर पे ही कंसिडर करता हूँ फिर, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 16A0। आर फोर की जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 16A0। ठीक है बेटा, तो एम वी की जगह पे आई कैन रिप्लेस दिस। तो अगर एम वी की जगह पे यहाँ पे मैं ये डाल दूँ तो एच अपॉन 4H अपॉन 32πa0 एजा, तो 8πa0 ऊपर ले लो, तो 8πa0 विल बी द वैल्यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो है 8πa0 दैट वुड बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अभी सेक्शन बी जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ ई एन इज इक्वल टू -78.4 किलो कैलोरी पर मोल, द ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज आस्क्ड। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिट मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ई एन की फॉर्मूला है बेटा -78.4 किलो कैलोरी पर मोल। हम लोग ने जनरली ई एन की फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में याद की है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो फॉर्मूला है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो बेटा हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, -78.4 इंटू 10^3 ये कैलरी में हो गई। कैलरी में से इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू राइट इंटू 4.2। ठीक है, ये पर मोल की बात चल रही है। अगर हम लोग इसको एक एटम के लिए कन्वर्ट करना चाहें तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर करना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10^23। तो ये अपना कन्वर्जन हो चुका है जूल पर एटम के अंदर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 6 से कट हो जाएगा ये, 13 सिक्सा चलेगा ये, 13 × 4 52 हो जाएगा लगभग, 10^-20 हो जाएगा। ये पावर ऊपर ले लेते हैं बेटा, तो दिस इज गोइंग टू बी दिस मच जूल पर एटम। तो इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर चुका है, अभी लेट अस कन्वर्ट दैट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10^-19 जूल। तो बेटा इसको हम लोग 1.6 से डिवाइड कर देते हैं इंटू 10^-19 से। अच्छा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 5.2, अगर इसको मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ पे पावर बढ़ानी पड़ेगी, 10^-19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10^-19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब बेटा यहाँ पे ऐसे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हमको खाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई करने को बोला है। तो आप लोग सभी को पता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, और सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर जो इसकी एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे क्योंकि हमको एनर्जी नहीं पर ऑर्बिट का नंबर पूछ रहे हैं, तो वी कैन से दैट दिस एनर्जी इज़ पॉसिबल ओनली इन द सेकंड एनर्जी लेवल। तो ये सेकंड एनर्जी लेवल, इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे बैठेगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ विजिबल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट इन एच स्पेक्ट्रम। देखो बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर एनर्जी लेवल 1 से लेकर 5 तक की बात है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब मैं 5th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो आप लोग समझते हैं कि 5th ऑर्बिट से अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइमैन सीरीज़ के लिए। ठीक है, अगर बामर सीरीज़ की बात करें तो बामर सीरीज़ में ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसी तरह से पाश्चन ब्रैकेट फंड। अब सोच सकते हैं आगे, यहाँ पे लोगों ने बोला हुआ है विजिबल लाइंस। विजिबल लाइंस का मतलब क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स कि ये केवल बामर सीरीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइमैन सीरीज़ की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है दैट फॉल्स इन यूवी रीजन,
और ये जो है ये एक्चुअली बामर सीरीज की लाइंस फॉल इन विजिबल रीजन। तो मतलब ये लोग खाली ये पूछ रहे हैं कि इसमें विजिबल रीजन में कितनी लाइंस आएगी, तो ये बामर सीरीज की हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन है, तो आंसर होगा इसका 3 लाइंस। बाकी कोई भी जो सीरीज है उसको चेक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, केवल स्पेक्ट्रल लाइंस विजिबल रीजन की चाहिए, तो इसीलिए 3 यहाँ पे लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट एक्स। देखो यहाँ पे बेटा कुल मिला के कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये आप गिन लो। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, 2, 10, 21, 23। 23 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एलिमेंट के अंदर, इसका मतलब हो जाता है बेटा ये कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। वैनेडियम है ये, वैनेडियम 23। तो वैनेडियम 23 में ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विद एल इज इक्वल टू 2। तो बेटा एल इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम क्लियर ही है कि आर्गन 4s2 3d3, ये इसका कन्फिग्रेशन है। तो उसमें से ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा कि जिसमें एल इज इक्वल टू 2 आएगा, तो वो यही सब इलेक्ट्रॉन्स है। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको कि जिसमें एल इज इक्वल टू 2 है, तो आंसर होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट एक्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विथ एल इज इक्वल टू 2 वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, तो वो डी सबशेल को सिग्निफाई करता है। तो डी सबशेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आई एम सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 54, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Zn2+। तो स्टूडेंट्स जिंक जो है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, Zn30। अब इसके अंदर Zn2+ की बात कर रहे हैं, मतलब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा हमको। तो कॉन्फिग्रेशन Zn2+ का बन जाएगा आर्गन 4s0 3d10। तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टूडेंट्स, इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑल ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ऑल ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस वे, तो ये अपना आंसर हो गया इस तरह से बेटा, 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट 55, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पी एक्स ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स आपको पता है कि पी एक्स ऑर्बिटल का जो शेप है वो होता है डंबल शेप का, राइट, ये हिसाब से, विच इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के आसपास सिमेट्रिक है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको एक्स एक्सिस को क्रॉस वर्ड बताएंगे, इस तरह से दिखा सकते हैं, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, तो ये वाई, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स ये जो अपना ऑर्बिट है, इसके अंदर आपको खाली पूछ रहा है नोडल प्लेन कितने हैं। तो नोडल प्लेन एक्चुअली ऐसा प्लेन है कि जो न्यूक्लियस में से पास होता है और अपनी ये ऑर्बिटल को कट नहीं करना चाहिए। तो कट नहीं करना चाहिए मतलब कि इस तरह का एक नोडल प्लेन यहाँ पे पॉसिबल होगा। ओके, ये प्लेन कौन सा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पी एक्स ऑर्बिटल है, तो उसके लिए वाई जेड प्लेन जो है इज द नोडल प्लेन। जेड एक्सिस यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर है, तो वाई जेड प्लेन एक प्लेन है अपने पास, केवल नंबर पूछ रहे हैं, तो ये हम लोग एल से डिसाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम ना बनाए, केवल फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। नोडल प्लेन या एंगुलर नोड्स ढूंढने का जो फॉर्मूला है, तो नोडल प्लेन की फॉर्मूला है कोई भी ऑर्बिटल के लिए एल, तो यहाँ पे पी एक्स ऑर्बिटल के लिए एजीमिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 1, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे एक नोडल प्लेन होगा, तो आंसर वुड बी 1। आगे बढ़ते हैं। 56, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है हमको पता ही है। तो द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डैश। तो स्टूडेंट्स ये टाइप का जो डेटा होता है वो आगे का खाली कांस्टेंट का वैल्यू सजेस्ट करने के लिए दिया होता है, इससे हमको फॉर्मूला पता चल जाता है। तो फॉर्मूला इज En is equal to -13.6 into Z square upon N square electron volt per atom.
तो यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात चल रही है स्टूडेंट्स. तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट. तो इसका मतलब होगा n इज इक्वल टू 3 आपको लेना पड़ेगा. तो माइनस 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. और हीलियम प्लस के लिए एटॉमिक नंबर जो है दैट इज गोइंग टू बी 2, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा. तो बेटा इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो इसकी वैल्यू आएगी 6 4 24, 4 3 12 प्लस 2 14, 4 1 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 9. अच्छा, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम लोग पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हैं. अदरवाइज अप्रोक्सीमेशन से ABCD ऑप्शंस होते तो लिख देते. अच्छा, 9 6 54, 4 को 9 से कट नहीं कर पाएंगे, 4 6 40, तो 9 4 36, 40, ये 4 4 4 4 आ रहा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो OMR है उसमें आई थिंक आपके पास 4 ही ब्लॉक होते हैं, एक डेसिमल में चला जाएगा. तो इसका मतलब है आपको लिखना पड़ेगा -6.04. तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपना आंसर है, -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. 57, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एफ सबशेल. तो स्टूडेंट्स एफ सबशेल के बारे में आप जानते हैं कि उसके अंदर कुल मिला के 7 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट. तो 7 ऑर्बिटल्स इनटू 2, इसका मतलब है 14 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. तो कुल मिला के स्टूडेंट्स एफ सबशेल की सारी ऑर्बिटल्स को मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे, आंसर हो जाएगा 14. नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स फॉर्म्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बाई द ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम इज डैश. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है फिफ्थ से सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो एन टू की वैल्यू 5 और एन वन की वैल्यू 2 लेते हैं. तो स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रल लाइन्स ढूंढने का फॉर्मूला जो है वो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, एन टू माइनस एन वन इंटू एन टू माइनस एन वन प्लस 1 डिवाइड बाय 2. तो ये फॉर्मूला है अपना. तो कुल मिला के 5 - 2 3 हो जाएगा, इंटू 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2. तो इस तरह से 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी कंडीशन एक्स्ट्रा दी नहीं हुई है तो इसीलिए 6 स्पेक्ट्रल लाइंस है. अगर आप चाहो फॉर्मूला के ऊपर से नहीं करना है तो आप लोग सीधा स्पेक्ट्रल लाइंस से भी करके सॉल्व कर सकते हो. सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को लाना है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से होगा. तो स्टूडेंट्स इसमें जो सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं वो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो ये ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे. थर्ड एनर्जी लेवल में ये ट्रांजिशंस और फोर्थ एनर्जी लेवल में ये ट्रांजिशंस पॉसिबल. तो कुल मिला के स्टूडेंट्स कितनी अपनी स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है चेक कर लीजिए मैन्युअली, 1 2 3 4 5 6. तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है तो आंसर वुड बी 6, ये अपना आंसर है. आगे बढ़ते हैं. 59, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज डैश. तो स्टूडेंट्स रेडियल नोड ढूंढने का फॉर्मूला आपको पता होगा. रेडियल नोड्स ढूंढने के लिए वी मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला n - l - 1. तो p सब शेल की ऑर्बिटल है तो इसीलिए l की जो वैल्यू होगी बेटा दैट इज गोइंग टू बी 1. सो 3 - 1 - 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 1. तो यहाँ पे रेडियल नोड 3p के लिए क्या आएगा, वो होगा 1. अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाते, अगर मैन्युअली देख के सॉल्व करना चाहते हैं तो भी हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए कि अपना x और y एक्सिस में ये px है, ठीक है, तो ये अपना px ऑर्बिटल है. ये सबसे पहला अगर कंसीडर करते हैं हम लोग तो ये 2px हो गया. इसके बाहर अगर एक और कंसीडर करें तो ये 3px हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स रेडियल नोड एक्चुअली जो है वो दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का खाली जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप इस तरह से डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे मैं डॉट्स बना रहा हूँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 है. तो स्टूडेंट्स ये जो रीजन है वो एक रेडियल नोड को डिनोट कर रहा है. तो 3p के लिए हमारे पास एक रेडियल नोड मिल रहा है, डायग्राम की मदद से भी आप समझ सकते हैं. और
फॉर्मूला अगर याद है तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री। द सेकेंड लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन कोइंसाइड्स विद सिक्स्थ लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज ऑफ एन आयनिक स्पीशीज। ठीक है, कोइंसाइड कर रही है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि दोनों का वेवलेंथ सेम है। ठीक है, अच्छा सेकेंड लाइन ऑफ लाइमेन, आपको पता है स्टूडेंट्स की लाइमेन सीरीज के अंदर जो ट्रांजिशन है, ये सारे एनर्जी लेवल्स में बना रहा हूँ, लाइमेन सीरीज के अंदर ट्रांजिशन जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में होते हैं और उसकी सेकंड लाइन जो है, सेकंड लाइन तो वो सेकंड लाइन, इसको अल्फा इसको बीटा, बीटा लाइन जो है सेकंड लाइन वो कौन से ट्रांजिशन को सिग्निफाई करती है, फ्रॉम 3 to 1, तो 3 to 1 वाले ट्रांजिशन को वो सिग्निफाई करती है। सिक्स्थ लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज, देखो बेटा लाइमेन बामर पाश्चन, तो इसका मतलब होता है कि पाश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होकर वो थर्ड एनर्जी लेवल में आएगा। थर्ड एनर्जी लेवल में आएगा यहाँ पे, ये उसकी पहली लाइन, ये लोग कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, सिक्स्थ लाइन की बात कर रहे हैं, तो पहली लाइन के लिए 4 to 3 वाला ट्रांजिशन है, तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो सिक्स्थ लाइन जो है वो उसका कौन सा सिग्निफाई करेगा, 9 to 3 वाला ट्रांजिशन सिग्निफाई करेगा। तो सिक्स्थ लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज जो है वो एक्चुअली सिग्निफाई करता है 9 to 3 वाला ट्रांजिशन। आप इस तरह से गिन सकते हैं कि 3 से 4 ये पहली लाइन, आई मीन 4 से 3, तो 5, 6, 7, 8 और 9, तो कुल मिला के 9 से लेकर थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में आपके पास लैम्बडा की वैल्यू सेम है। अगर दोनों के लिए लैम्बडा की वैल्यू सेम है, पहली स्पीशीज तो हाइड्रोजन है, दूसरी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है पर कौन सी है ये पता नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर ही हमको आइडेंटिफाई करना है। मान लो ये स्पीशीज एक्स है, ठीक है, तो दोनों के लिए लैम्बडा अगर सेम है तो मैं बोल सकता हूँ कि 1/λ फॉर हाइड्रोजन वाली स्पीशीज इज इक्वल टू 1/λ फॉर एक्स अननोन स्पीशीज। तो 1/λ की फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमको पता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये फॉर्मूला हो जाती है R Z square हाइड्रोजन के लिए 1 square है इनटू हाइड्रोजन के लिए कौन सा ट्रांजिशन सिग्निफाई कर रहा है 3 to 1, तो 1 square is 1 और 3 square is 9 इज इक्वल टू 1/λ फॉर द अननोन एलिमेंट, तो दैट इज R Z square। अब इसका Z क्या है वो पता नहीं है तो वो मैं लिख देता हूँ खाली Z के हिसाब से 1/, अब ये जो ट्रांजिशन की बात कर रहा है वो है 9 to 3 वाला ट्रांजिशन, तो बेटा 3 square is 9 और 9 square is 81, तो इस तरह से दोनों साइड से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल रहा है हमको 9 का LCM ले लेते हैं, तो ये 1 - 1/9 = 8/9 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, यहाँ पे 81 का LCM आएगा, 9 9 = 81, तो 9 - 9 1 - 9 - 1 = 8, 8/81, तो स्टूडेंट्स इस तरह से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, तो साइड चेंज करो, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 3। तो बच्चों इस तरह से एटॉमिक नंबर ही उन्होंने पूछा है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ द आयनिक स्पीशीज ये होगा जेड इज इक्वल टू 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जवाब होगा 3। ठीक है, मतलब ये कौन सा आयनिक स्पीशीज होगा स्टूडेंट्स, जेड इज इक्वल टू 3 के ऊपर से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, और यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी तो 2+ इस तरह से, तो लिथियम 2+ ये वाली स्पीशीज की बात ये लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर पूछा था तो जवाब होगा 3। तो स्टूडेंट्स वी आर डन विद द केमिस्ट्री सेक्शन, PABT सॉल्यूशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।